हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सोल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ओके, सो गाइज, हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 13 फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज बीजगणितीय संख्या राशियों का उत्पादक में विश्लेषण, वो हम लोग लेट्स वर्कआउट यानी बनाकर देखें। हम लोगों ने 1, 2 का 6 तक मैंने कहा था कि आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। सो आज हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गाइज प्लीज, मैं बनाने से पहले आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे भी ये मोटिवेशन मिले और मैं भी आगे बढ़ूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग देखो, यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 12 बी स्क्वायर। ओके, तो हमें यहाँ पे, अब आप लोग देखो कि ये जो ए स्क्वायर प्लस ए बी और 12 बी स्क्वायर, अब यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ दो वेरिएबल है, तो बस इसे देख के डरना नहीं है आप लोगों को, मैं बस ये बना दे रही हूँ। और एक और क्वेश्चन नंबर 8 बना दूंगी जिससे आप लोगों को, इधर आप लोग कुछ क्वेश्चंस मैं बता दे रही हूँ जो आप लोग आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 12 बी स्क्वायर। आप लोग देखो यहाँ 12 है तो हमें क्या करना है। अच्छा, एक और चीज बताना चाहती हूँ, मिडिल टर्म फैक्टर में क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है एक दूसरे से, यानी यहाँ पे हो रहा है हमारा 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप लोग बाद में इसको देखोगे, यदि चैप्टर एक्सरसाइज 13.2 में जाओगे तो मैं इसको अच्छी तरह से समझाऊंगी, लेकिन अभी इतना के लिए बस इतना समझ लो कि ये मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, मिडिल टर्म फैक्टर में, यानी यहाँ पे यदि कुछ नंबर भी रहता तो नंबर से इसका 12 का मल्टीप्लीकेशन होता। यहाँ 1 है सो 1 × 12 सो हियर 12। ओके, अब 12 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, सो 2 6 12 2 3 6 हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे 1 लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा 1 आएगा, सो यहाँ पे देखो 3 2 6 लेंगे, और यदि 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, सो ये तो कम्प्लीट नहीं हुआ। यानी अब देखो ये 2 2 6 4 and 3 that is 1, यानी कि 4 और 3 लेकर चलेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ हम लेकर चलते हैं ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 माइनस 12 बी स्क्वायर। आप लोग इस तरह से ये बना लोगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो बना ही देती हूँ। 4 यहाँ ए बी है, 4 ए बी माइनस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 3 ए बी माइनस 12 बी स्क्वायर। ओके, अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, ए कॉमन है तो ए प्लस 4 बी हुआ, और यहाँ देखो ए प्लस 4 बी आप लोग लिख लो, उसके बाद देखो कि यहाँ क्या कॉमन है। देखो तो 3 ए कॉमन जा रहा है और 1 बी कॉमन जा रहा है, तो बी भी दोनों में है, सो माइनस 3 बी कॉमन हुआ। अब इसमें से 1 कॉमन यानी कि ए प्लस 4 बी एंड ए माइनस 3 बी, दैट इज द आंसर। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगी जिससे कि आप लोग इधर भी सारा क्वेश्चंस कुछ सम्स आप लोग आराम से कर लोगे, आसानी से कर लोगे। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 2 का 8। तो पहले हमें ये दो वेरिएबल देख के घबराना नहीं है कि यहाँ एक पी स्क्वायर है, अब यहाँ एक क्यू स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, ये दो वेरिएबल देख के घबराना नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि पहले जो लास्ट वाला है इसको हमें एलसीएम निकालना है, तो पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं 108 का 2 से 5 4। ओके, फिर 2 से, तो 2 2 जा 4 and 2 7 जा, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ 31 यानी ऐड करके हमें 31 लाना है, प्लस माइनस करके नहीं लाना है, यहाँ ऐड करके हमें 31 लाना है, क्योंकि टोटल प्लस है इसलिए यहाँ माइनस माइनस कुछ नहीं आएगा। सो हमें किसी तरह से दोनों को, दो जो हमारा ये आएगा नंबर आएगा उसको ऐड करके 31 लाना है। ठीक है, तो यदि हम 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और इधर 3 3 जा 9 लेते हैं तो कितना हो जा रहा है,
यहाँ हमारा 21 हो रहा है, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है। 21 नहीं चाहिए हमें, 31 चाहिए। तो हम क्या लेंगे? अब आप लोग यहाँ देखो तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 27 और इधर 2 2 जा 4। तो यदि 27 प्लस 4 यदि हम ले रहे हैं तो यहाँ हमारा 31 आ जा रहा है। इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे? 27 प्लस 4। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस 27 प्लस 4 पी क्यू। ओके, 31 के जगह पे हमने ये लिख दिया प्लस 108 क्यू स्क्वायर। ये देख के घबराना नहीं है कि अब कैसे हम लिखेंगे, आप लोग बस देखते जाओ क्या हो रहा है। पी स्क्वायर प्लस और फिर पी क्यू से इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो 27 पी क्यू प्लस 4 पी क्यू, ओके, प्लस 108 क्यू स्क्वायर। ओके, फिर अब देखो इसमें क्या हमारा कॉमन है। कॉमन यहाँ देखो तो P ही सिर्फ कॉमन आ रहा है, सो हम यहाँ लिखेंगे P, एक कॉमन आ गया P प्लस, इधर अब क्या बच गया? 27 Q, इतना लिख दिए हैं। अब यहाँ जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, पहले इतना लिख दो, उसके बाद देखो कि अब हमारा यहाँ कॉमन क्या आ रहा है। आप लोग देखो तो 4 भी कॉमन है, 108 है तो 4 कॉमन है, एक और एक क्या कॉमन है, यहाँ Q है, यहाँ भी Q है, सो हम Q निकाल लेंगे। सो 4P हमारा यहाँ पे, 4Q हमारा कॉमन है यहाँ, तो हमने 4Q निकाल लिया। ठीक है, अब फिर उसी तरह से फिर P प्लस 27Q एंड इधर P प्लस 4Q, दैट इज द आंसर। हो गया ना, बहुत ही इजी है, बस देख के घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है। चलो नेक्स्ट पे हम चलते। सो गाइज, यदि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बना दिया तो आप लोग यहाँ से 6 7 9 8 तो मैंने बना दिया है, ठीक है, 9 इधर से आप क्वेश्चन नंबर 18 भी बना लोगे। ओके, तो ये सारा सम्स जो भी मैंने बताया इस सेम 8 के जैसा है, आप लोग ये सब बना लोगे। अब बचता है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 11 12, ये सब एक जैसा है। ठीक है, तो इसमें से मैं एक बता दे रही हूँ जिससे आप लोग आराम से, कोई भी इसमें से एक सम्स बता दूंगी तो आप लोग ये इसमें से आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 11 बता रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 65। ठीक है, तो यहाँ x प्लस 1 x प्लस 9 इसको हम अलग अलग लिख दे रहे हैं, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, प्लस 63। अब आप लोग देखो इन दोनों को किसी में से, इसको एक दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे एक जैसा लाना है टर्म, तभी हमारा फिर हम लोग उसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाला है। यदि हम यहाँ एक्स स्क्वायर इसको यदि लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 9x और x यहाँ पे 10x आ जा रहा है, और यदि ये देखिए आप लोग यहाँ अच्छा से मैं समझा दे रही हूँ क्या मैं बोल रही हूँ, x प्लस यदि 9 हम लें तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस एक्स प्लस 9 होगा, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 होगा। ठीक है, और यदि हम इसको ले एक साथ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, अच्छा यहाँ पहले लिख लूँ, x प्लस 5 एंड x प्लस 5 यदि हम ले तो वही एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 यहाँ हमारा आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 10x आ रहा है, यानी हमें इन दोनों को एक साथ लेना होगा और इन दोनों को एक साथ लेना होगा, फिर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 10x है ना, इसको हमें कुछ मान लेना होगा, उसके बाद इसका वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों में से एक लेकर चलते हैं। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स यहाँ पहले आप इधर ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट दे दो, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 9, ठीक है, और इधर एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, ओके, प्लस 63।
यदि हम यहाँ नहीं भी तोड़ दे तो भी चलता, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए तोड़ा क्योंकि हमें किसी तरह से इनको इक्वल करके हमें अलग से एक बनाना होगा, दैट इज यहाँ जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स, इस तरह से हमें एक लेना ही होगा तभी हमारा आगे का फैक्टर हम कर पाएंगे। तो हमें तो पता नहीं है कि हाँ ये एक जैसा ये 9x प्लस x 10x हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे तोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है। ओके तो चलो हम यहाँ करते हैं सेम इसके जैसा, यही डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9, ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 63, ठीक है। अब यहाँ ये जो टर्म आ गया हमारा, अब इसे हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू पी, मैंने इसको पी मान लिया, ठीक है। तो फिर हम इसे सो हमारा अब क्या हो जाएगा पी प्लस 9 एंड पी प्लस 25 प्लस 63, ये पी प्लस 9 एंड पी प्लस 25 प्लस 63, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई अप करो पी इंटू पी दैट इज पी स्क्वायर, ओके, प्लस 25p प्लस 9p प्लस 25 इंटू 9 दैट इज 225 प्लस 63, ओके। फिर यहां हो जा रहा है p प्लस यहां हो जाएगा 34p प्लस, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 288, ओके। अब ये हमारा फैक्टर होगा, अब इसको फिर से हम फैक्टर इसका हम फैक्टर निकालेंगे, ओके। फिर इसका फैक्टर निकाल के उसके बाद पी का वैल्यू हमें पुट करना होगा, ठीक है। तो चलो हम इसका फैक्टर निकालते हैं। अब 288 को हम फिर से यहाँ एलसीएम करेंगे, ठीक है। फिर 2 से 27 जाओ 14 एंड 22 जा 4, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 9, 33 जा 9। अब हमें क्या लाना है यहाँ पे 34, ऐड करके 34 लाना है, तो हम क्या क्या लिखेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा, ये हमें यही से देखना होगा। तो 22 जा 4, 42 जा 8, 82 जा 16, ओके, एक 16 यदि हम लेते हैं, और यहाँ 33 जा 9, 92 जा 18, तो देखो शायद हो जाए 66, और इधर शायद हो जाए, तो हमारा यहाँ 34 हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या लेना होगा 16 प्लस 18, तो हम यहाँ लिखेंगे सो पी स्क्वायर प्लस 16 प्लस 18 इंटू पी प्लस 288, फिर उसी तरह से सेम प्रोसेस पी स्क्वायर प्लस 16p प्लस 18p प्लस 288, ओके। फिर पी कॉमन तो पी प्लस 16 हुआ, ओके, इधर से 18 कॉमन होगा तो पी प्लस 16 होगा, फिर पी प्लस 16 और इधर से पी प्लस 18, ओके, ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी, पी इक्वल टू क्या था हमारा, पी इक्वल टू था एक्स स्क्वायर प्लस 10 था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 10, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18, ठीक है। अब यदि फिर इसमें से भी यदि फैक्टर हमारा निकलेगा, यहाँ भी यदि फैक्टर निकलेगा तो हम फिर इसका फैक्टर निकालेंगे, लेकिन नहीं निकलेगा तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि क्या ये निकल रहा है यहाँ पे फैक्टर या नहीं। सो हम यहाँ पहले 16 का देखेंगे, 16 का करके देखेंगे कि हमारा यहाँ 10 आ रहा है कि नहीं। तो 2 से 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से 2, ओके। अब देखो यहाँ पे 10 आ रहा है कि नहीं, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो 8 प्लस 2 दैट इज 10 हो जा रहा है, एंड 8 टू जा 8 16,
तो हमारा इसका निकलेगा, ठीक है। लेकिन यदि हम इसका करेंगे, इसका यदि देखो हम करते हैं यहाँ 18 का यदि इसी तरह से निकालें तो 9 3, यानी कि हमें तो माइनस करके लाना नहीं है। तो यहाँ देखो 3 3 9 यदि लें और +2 तो नहीं हो रहा है, यदि 6 3 2 6 और +3 लें तो भी नहीं हो रहा है, ठीक है, 9 हो जा रहा है, यानी इसका फैक्टर नहीं निकलेगा लेकिन इसका निकलेगा, ठीक है। तो चलो हम इसका निकालते हैं, दैट इज 8 + 2। तो हम यहाँ पे फैक्टर हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं ताकि यहाँ खराब ना लगे देखने में, वो लंबा हो जाता है देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन टीचर के सामने आप लोग रखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, वो आप लोग अलग से कर लेना सामने में ही। तो यहाँ हम कर दे रहे हैं x² + 10x + 16 का, ठीक है। x² + 8 + 2 था, ओके, +16, ठीक है। फिर x² + 8x + 2x + 16, फिर x कॉमन ले लेंगे तो x + 8, और इधर +2 कॉमन ले लेंगे तो x + 8, ठीक है। तो x + 2 हुआ और इधर x + 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, x + 2 इंटू x + 8, और ये वाला सेम उसी तरह लिख देंगे x² + 10x + 18, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सो आप लोग इसे जरूर करना। ये इसमें से ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये सब एक ही टाइप का है, तीनों क्वेश्चन एक टाइप का है, तो आप लोग इसमें से कोई एक एग्जाम में आता ही है, सो ज्यादातर 10 आता है, इसमें भी उसी तरह करना है, घबराना नहीं। यहाँ पे एक माइनस जरूर आएगा, सो यहाँ पे तो प्लस वाला था तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये थोड़ा सा मैं इसमें बता दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10, जिससे आप लोगों को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। सो आप लोग यहाँ पे प्लस माइनस करके देखना कि क्या हमारा इक्वल आ रहा है। यदि हम 3 + 1 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि 6 4 10 हो जा रहा है, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो कि 4 - 4 और +1, तो यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है, और ये देखो 6 और 3, -6 और +3, -6 + 3, दैट इज -3, तो ये हमारा इक्वल हो गया, यानी कि हमें क्या क्या लेना होगा, इसके साथ इसको लेना होगा और इसके साथ इसको लेना होगा, ओके। तो चलो हम इसको एक साथ लेकर चलते हैं, क्या करेंगे, x + 1 और x - 4 को एक साथ ले लिए, ठीक है, और इधर क्या करेंगे हम लोग, x + 3 and x - 6, x + 3 into x - 6, इसको हम एक साथ ले लेंगे, ओके। फिर इधर x² आप लोग इधर बगल में कर लेना, x + 1 and x - 4, तो क्या होगा यहाँ पे, x² - 4x + x - 4, दैट इज x² - 3x - 4, ठीक है। तो यहाँ आया x² - 3x + 4, ये आ गया, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ भी आप लोग अलग कर लेना, लेकिन टीचर को दिखना चाहिए ऐसा करना, ताकि टीचर दिखे और साफ साफ करना, ठीक है। तो x² - 6x + 3x - 6 3 = 18, -18, ओके। फिर यहाँ x² - 3x - 18, ये हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे x² - 3x - 18 + 24। अब यहाँ देखो x² - 3x, फिर हम यहाँ x² - 3x को a b c कुछ भी आप लोग मान सकते हो, m n q p q कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने m मान लिया, तो वही फिर m + 4, और यहाँ भी m - 18 + 24, फिर उसी तरह से इंटू करके उसके बाद फिर मिडिल टर्म फैक्टर फिर से हम निकालेंगे, ओके। फिर फैक्टर निकाल के और फिर उसका m का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या फिर से ये जा रहा है, मतलब इसका फिर से
फैक्टर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यदि फैक्टर निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं तो वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने कुछ कुछ हद तक बता दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।